विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई 2023 को मनाया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने का दिवस है। यह दिवस युद्ध अपराधों, नस्ली हत्या और मानवता के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों के लिए प्रतिरक्षा के खिलाफ लड़ने के महत्व को दर्शाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 की थीम। हर साल वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस एक निर्धारित थीम के तहत मनाया जाता है। साल 2023 की विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की थीम सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का उद्देश्य रोम संविधि के ऐतिहासिक अधिग्रहण और 1998 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके न्याय का समर्थन करने के लिए सभी को एकजुट करना है। यह दिन मौलिक मानवाधिकारों की वकालत और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का इतिहास। 17 जुलाई 1998 को 120 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि नामक एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ आए। इस स्थापना को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के रूप में जाना जाने लगा, जो 1 जुलाई 2002 को अस्तित्व में आया। रोम संविधि पर हस्ताक्षर करने का जश्न मनाने के लिए तब से हर साल अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस का उद्देश्य ICC के प्रयासों की सराहना करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय को बढ़ावा देने में सभी को एकजुट करना है। ICC ने मुख्य रूप से मानवता के खिलाफ अपराध नष्ट करना, हत्या आदि, नरसंहार, जानबूझकर एक समुदाय को नुकसान पहुंचाना, युद्ध अपराध, जानबूझकर पीड़ा यातना देना आदि और आक्रामकता अपराध, सैन्य कब्जा आदि पर ध्यान केंद्रित किया। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कैसे मनाया जाता है। इस मौके पर दुनिया भर में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसमें विभिन्न मीडिया जैसे समाचार चैनल, अखबार, रेडियो और इंटरनेट के माध्यमों का उपयोग किया जाता है। बहुत से संगठन समूह किसी खास तरह के मुद्दे जैसे युद्ध पीड़ितों को न्याय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद आदि पर जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसके अलावा लोग ब्लॉग और लेखों के जरिए अपने क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय न्याय संबंधी समस्या पर लेख लिखकर जागरूकता फैलाने का काम भी करते हैं। 17 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है यह दिवस। दरअसल 17 जुलाई 1998 को दुनिया के कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की व्यवस्था के लिए एकजुट होकर समझौता किया था। इसे रोम स्टेट्यूट कहा जाता है। वर्तमान में दुनिया के 139 देश इस समझौते का हिस्सा बन चुके हैं, इसीलिए यह दिवस 17 जुलाई के दिन ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICJ इंटरनेशनल सी ऑफ जस्टिस की स्थापना तब हुई जब 120 राज्यों ने रोम में कानून अपनाया। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम कानून के रूप में जाना जाता था। वे सभी देश को कानून को अपनाने के लिए सहमत हुए थे। वे बहुत गंभीर अपराधों के अभियोजन के संबंध में ICC के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर रहे थे। ICC का विचार राष्ट्रीय अदालतों को बदलने का नहीं था। यह केवल तभी हस्तक्षेप करने में सक्षम है जब कोई देश जाँच नहीं कर सकता या अपराधियों पर मुकदमा नहीं चला सकता। ICC एक स्थायी और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानव अधिकारों के सबसे गंभीर उल्लंघन के आरोपियों को कोशिश करने में सक्षम है, जिसमें नरसंहार का अपराध, अपराधों का युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराध शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का गठन शांति और कानून के शासन की स्थापना के उद्देश्य से किया गया था। हालांकि राष्ट्रीय न्याय प्रणाली का स्थान नहीं लेता, इस न्यायालय की संधि पर 139 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में होलैंड के शहर हेग में हुई थी। इसके बाद 1946 में इसने अपने काम शुरू कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुसार इसका काम कानूनी विवादों का निपटारा करना है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा उठाए कानूनी प्रश्नों पर राय देना है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। धन्यवाद।